भगवान परशुराम जी की कहानी। परशुराम भारत की ऋषि परंपरा के महान वाहक थे। उनका शस्त्र और शास्त्र दोनों पर समान अधिकार था। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका प्रभाव त्रेतयुग से शुरू होकर द्वापर तक जाता है। उनका जीवन एक आदर्श पुरुष का जीवन था। भगवान परशुराम का जन्म भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। पौराणिक आख्यान के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद देवराज इंद्र के वरदान के बाद हुआ था। परशुराम जी का जन्म वैशाख शुक्ल की तृतीया को हुआ, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। उनके पितामह भृगु ने उनका नाम अनंतर राम रखा, जो शिव द्वारा दिए गए अस्त्र परशु को धारण करने की वजह से परशुराम हो गया। परशुराम जीवन परिचय। परशुराम जी शिक्षा दीक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं महर्षि ऋचिक के आश्रम में हुई। महर्षि ऋचिक तो अपने शिष्य की योग्यता से इतने प्रसन्नत हुए कि उन्होंने भगवान परशुराम को सामग्र धनुष उपहार में दिया। उनकी प्रतिभा और दैवीय गुणों से प्रभावित होकर ऋषि कश्यप ने उन्हें अविनाशी वैष्णव मंत्र प्रदान किया। भगवान शंकर की उन्होंने आराधना की और शिव ने उन्हें विद्युत भी नाम का परशु प्रदान किया। भगवान शिव से उन्हें त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्रोत और कल्पतरु मंत्र भी प्राप्त हुआ। गुरु परशुराम की विशेषताएं। परशुराम ने जी ने अपनी अद्भुत शस्त्र विद्या से समकालीन कई गुणवान शिष्यों को युद्ध कला में पारंगत किया। उनके सबसे योग्य शिष्य गंगापुत्र भीष्म रहे, जिन्हें पूरा भारत आदर की दृष्टि से देखता है। इसके अलावा द्रोण और कर्ण भी उनके शिष्य थे। भगवान परशुराम का उल्लेख दोनों महान भारतीय महाकाव्यों रामायण और गीता में मिलता है। तुलसीदास द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस में उनके और लक्ष्मण के बीच हुआ संवाद बहुत पठनीय और लोकप्रिय है। परशुराम जी की पूजा पूरे भारत में होती है। हर वर्ग उनको पूजनीय मानता है। एक मान्यता के अनुसार भारत के ज्यादातर गाँव परशुराम जी ने ही बसाए थे। पूरे उत्तर भारत से लेकर गोवा, केरल और तमिलनाडु तक आपको परशुराम की प्रतिमा के दर्शन होंगे। परशुराम जी ने क्यों अपनी माता का वध किया? परशुराम जी परम पितृभक्त थे और अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करते थे। उनके लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि थी। एक दिन किसी कारणवश उनके पिता जमदग्नि जी अपनी पत्नी से नाराज हो गए और परशुराम को आज्ञा दी कि वे अपनी माता का वध कर दें। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। इस पितृभक्ति को देखकर पिता प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने पितृभक्त पुत्र से वर मांगने को कहा, तो उन्होंने अपनी माता को जीवित कर देने का वर मांगा। ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के प्राण वापस लौटा दिए। परशुराम जी और क्षत्रियों का विनाश। परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया, ऐसी मान्यता है। इस कथा के अनुसार है वंश के राजा सहस्त्रार्जुन या कार्तवीर्जुन ने घोर तपस्या की और भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लिया। भगवान दत्तात्रेय ने उसे 1000 भुजाए और युद्ध में अपराजित होने का वरदान दे दिया। एक बार राजा सहस्त्रार्जुन वन में आखेट करता हुआ अपनी सेना के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। वहां उसने ऋषि की कामधेनु गाय को देखा तो उसने बलपूर्वक उसे जमदग्नि से छीन ले गया। इस बात का पता जब भगवान परशुराम को चला तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और उसकी सभी भुजाओं को अपनी फरसे से काट डाला और उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने इसका प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम जी की अनुपस्थिति में महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया और जमदग्नि की हत्या कर दी। परशुराम की माता रेणुका भी अपने पति के साथ सती हो गई। कुपित परशुराम ने हयवंशी राजा के महिष्मति नगर पर आक्रमण कर सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया। अपने क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। कर्ण, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु जैसे महाभारत के पात्र के जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद।